हेलो एवरीवन वेलकम टू सत्याधि शर्मा क्लासेस दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है हम वर्ग दो इंग्लिश के जो टॉपिक है उनको हम डिस्कस कर रहे हैं लगातार लास्ट लेक्चर में हमने समझा था कि मीटर क्या होता है और मीटर फाइंड कैसे करते हैं मैंने अलग अलग स्ट्रेंजा के आपको टाइप्स भी बताए थे तो दोस्तों आज की जो क्लास आपकी होने वाली है इसमें मैं आपको पोइट्री के बारे में बताऊंगा क्योंकि पोइट्री के टाइप्स तो हमने देख लिए सोनेट क्या होता है लिरिक क्या होता है बेलेट क्या होता है इपिक क्या होता है लेकिन मैं आपको यह बताऊंगा कि नेरेटिव पोइट्री क्या होती है और लिरिकल पोइट्री क्या होती है क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमें वर्ग दो की एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलने वाले हैं लेकिन उसके पहले कल का एक छोटा सा जो टॉपिक है उसमें एक मुझसे गलती हो हो गई थी ह्यूमन एरर है हो जाती है जाती मैंने आपको एक राइम राइम स्कीम स्कीम गलत बता दी थी वो rhyme scheme क्या थी वो क्या मैंने आपको आपको ये बताया था मैं आपको लास्ट में स्टेंजा एक पैटर्न समझा रहा था मैंने आपको ये बताया था कि सेवन लाइन का जो स्टेंजा होता है तो अगर सेवन लाइन के स्टेंजा में एक प्रॉपर राइम स्कीम हो वो राइम स्कीम क्या हो सकती है ए बी ए बी और सी सी अगर ये आपको सेवन लाइन के एक दो तीन चार एक मिनट ए बी ए बी बी और सी सी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अगर कोई सी लाइन कोई स्टेंजा में सात लाइनें हैं और अगर ये स्ट्रक्चर ये राइमिंग स्कीम अगर वो फॉलो कर रहा है तो उसे हम क्या कहने वाले हैं उसे हम क्या कहने वाले हैं राइम रॉयल स्ट्रेंजर ये मैंने आपको कल बताया था मैंने गलती से इस बी की जगह आपको ए बता दिया था बस इतनी मेरी गलती थी कल मुझे माफ करना है ना तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी किसी लाइन के अंदर ये वाला रिदमिक पैटर्न फॉलो हो तो उसे हम कहते हैं राइम रॉयल स्टेंजा क्या कहते हैं राइम रॉयल स्टेंजा अच्छा ये पैटर्न तो इस डेवलप किया था सात लाइनें होती है ठीक है, ना? तो ये आपको रखना है। अच्छा ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये सारी की सारी जो लाइनें हैं ये आपको आय पेंटामीटर में होनी चाहिए ये सारी की सारी जो लाइनें हैं ये सारी की सारी लाइनें आयिक पेंटामीटर में हमें देखने के लिए मिलती है इसके कुछ और स्टेंजाइक पैटर्न हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं जैसे कि एट लाइन का जो इटेलियन स्ट्रेंजा है इटेलियन जो, जो सोनेट्स होते थे इटेलियन सोनेट यानी कि जब इटली में सोनेट लिखे जाते थे यानी कि जब पेट्रार्क सोनेट लिखते थे तो उन पेट्रार्कन सोनेट में इलेवन लाइन 11 सिलेबलिक लाइन होती थी ध्यान रखना आप, 11 सिलेबलिक लाइन होती थी लेकिन जब ये स्ट्रेन्जाइक पैटर्न यानी कि ऑक्टेव का जब फॉर्मेट इंग्लैंड के अंदर आता है तो इंग्लैंड के अंदर इसमें हमें डेका सिलेबल देखने के लिए मिलते हैं सर ये क्या होते हैं मैं आपको समझा रहा हूं डेका दे, सिलेबल हमें देखने के लिए मिलते हैं देखो डेका मतलब क्या होता है डेका मतलब 10 डेका मतलब 10 और इलेवन ये तो नाम से समझ में आ रहा है इलेवन मतलब ग्यारह यानी कि जो इटालियन सोनेट होते थे उनमें एक लाइन में ग्यारह सिलेबल होते थे जबकि इंग्लैंड के अंदर जो सोनेट लिखे गए उसमें हम देखते हैं कि ऑक्टेव के अंदर हमें दस सिलेबल यहां पर देखने के लिए मिलते हैं तो जहां पर दस दस सिलेबल होता है मतलब कि वहां पर मीटर कौन सा होगा पेंटा मीटर कौन सा होगा वहां पर मीटर पेंटा मीटर तो ये आपको ध्यान रखना है सभी को बात समझ में आ गई ठीक है इसके अलावा एक और स्ट्रेंज़ाइक पैटर्न होता है और वो आपका पैटर्न होता है नाइन लाइन का। अगर किसी स्ट्रेंज़ा के अंदर आपकी नाइन लाइन है और वो नाइन लाइन ये आपका आ, हम कह सकते हैं कि राइम स्कीम जो है अगर फॉलो कर रही है वो राइम स्कीम है आपकी ए बी सी अगर ये रिदम वो लाइन फॉलो कर रही है, तो इसे हम कह देंगे, स्पेंसेरियन स्टेंजा क्या कह देंगे इसे हम इसे हम कह देंगे नाइन लाइन का जो स्टेंजा होता है इसे हम कहते हैं स्पेंसेरियन स्टेंजा और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो नाइन लाइनें होती है इन नाइन में से स्टार्टिंग की जो एट लाइन होती है ये पेंटामीटर में लिखी जाती है जबकि जो आपकी हेक्सामीटर में लिखी जाती है और क्योंकि ये हेक्सामीटर में लिखी जाती है, इसीलिए इस लाइन को हम अलेक्जेंड्राइन लाइन भी कह देते हैं क्या कह देते हैं कि इतनी बातें आप सभी को समझ में आ गई होगी क्योंकि ये लास्ट लेक्चर में ये सारी चीजें हमने बहुत आराम से समझ ली थी ठीक है अब हम करते हैं हमारा ये लेक्चर शुरू जो आज हम नई चीज पढ़ने वाले हैं क्या पढ़ने वाले हैं अब कल मैंने आपको मीटर अब देखो इसमें से क्या क्या चीजें हम सीख चुके हैं आप सीख चुके हो सिलेबल क्या होता है यह मैंने आपको कल बता दिया फिर उसके अलावा मीटर क्या होता है ये मैंने आपको कल बता दिया मीट्रिकल तो पेटर्न होता है उसमें आई कैसे फाइंड करते हैं उसके अंदर हमें ट्रॉकी कैसे फाइंड करना है डेक्टल क्या होता है एनापेस्ट क्या होता है स्पोंडी क्या होता है फ्रिक क्या होता है उसके अलावा जो आपकी पोइट्री होती है उसमें फॉर्मल वर्ड्स क्या होता है फ्री वर्ड्स वर्स, उसके अलावा आपकी लिरिक पोइट्री क्या होती है फिर आपकी क्या होती है? तो ये सब कुछ आज हम पढ़ने वाले हैं चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं और एक-एक करके आपको बताना, करता हूं। सबसे देख लेना है ताकि अगर एग्जामिनेशन में ये डेफिनेशन आपकी आ जाए तो आप बता पाए कि इस डेफिनेशन को हम क्या कहेंगे क्या होता है यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन ध्यान से देखना यूनिट ऑफ प्रोनसिएशन और उसमें भी क्या of a vowel. ध्यान रखना इसमें साउंड का कोई यूज नहीं है इसमें सिर्फ साउंड को हमें ध्यान रखना है विद और विदाउट सराउंडिंग ए कॉन्सोनेंट साउंड या तो वेल के साथ में कॉन्सोनेंट हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है एक सिंगल साउंड को हम एक सिलेबल काउंट कर लेंगे ठीक है इतनी बात आपको समझ में आ गई ठीक है

और ये जो का है ना ये अपने आप में बा प्लस उ और अपने आप में ये जो का है ये आधा है का में आ नहीं छुपा हुआ है ध्यान रखना क्योंकि ये के के यहां पर आ रहा है अगर के ए होता तो फिर यहां पर आ छिपा हुआ रहता लेकिन क्योंकि सिर्फ यहां पर के है तो यहां पर कोई भी आ नहीं छिपा हुआ है यानी कि इसमें सिर्फ एक ही ववेल साउंड बन रहा है यानी कि इसके अंदर सिर्फ एक सिलेबल आपका होगा तो इस तरीके से हम सिलेबल काउंट करते हैं वैसे यहां पे लिखा हुआ है रीडिंग रीडिंग को जब हम काउंट करेंगे ध्यान रखना अब मैंने यहां पर यह हाईलाइटेड भले ब्लू अक्षर कर दिए हैं ये सिर्फ ये बताने के लिए करे हैं कि ववेल साउंड कौन से अक्षर से उत्पन्न हो रहा है

ठीक है ना तो ये हो गया आपका क्या इसमें भी टोटल कितने सिलेबल हो जाएंगे आपके दो सिलेबल उम्मीद कर रहा हूं कि ये बेसिक सी चीजें आपको समझ में आ गई होगी क्योंकि कल मैंने बहुत अच्छे से आपको जो लास्ट लेक्चर हमारा हुआ था उसमें ये सारी की सारी की चीजें मैंने आपको बता दी थी फिर हम देखते हैं आपके आई एम क्या होता है तो देखो जब हम सिलेबल को प्रोनाउंस करते हैं तो प्रोनाउंस करते वक्त जो साउंड उत्पन्न होता है उसी साउंड के माध्यम से हम पता लगा पाएंगे कि ये आई एम्ब का साउंड है या फिर ट्रॉकी का साउंड है जैसे कि मैंने कहा यहां पर मीटर एम ई टी आर जब मैंने मीटर प्रोनाउंस करा तो मीटर में म प्लस ई ट प्लस अ मीटर तो ये जो ई साउंड है इसको मैं ज्यादा जोर दे रहा हूं जबकि आप एक कम स्ट्रेस पड़ रहा है इसीलिए हो जाएगा स्टेज साउंड ये हो जाएगा अनस्ट्रेस साउंड जब हम प्रोनाउंस करते हैं किसी शब्द को तो जो पहला अगर मान लो पहला सिलेबल पहला सिलेबल क्या हो पहला सिलेबल आपका स्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड हो, इस्ट्रेस्ट हो, और दूसरा सिलेबल अगर आपका अनस्ट्रेस्ड हो तो यहां पर आपका बनता है ट्रोकी क्या बनता है ट्रोकी लेकिन इसका ठीक अपोजिट जब मैं कोई से भी चीज प्रोनाउंस करूंगा और पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड आएगा और दूसरा स्ट्रेस्ड आएगा तो वो होता है आपका आईएम अब देखो आई एम के कुछ एक्साम्पल मैं आपको बताता हूं

ए आ रहा है इसमें यहां पे ठीक है ना तो ई जो है एक्वेट, एक्वेट, तो ये जो ए वाला जो सिलेबल है ये हो जाएगा आपका स्ट्रेस्ड सिलेबल कैसा हो जाएगा स्ट्रेस्ड सिलेबल और ये ई जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका वीक या अनस्ट्रेस्ड सिलेबल तो यहां पर आप देख सकते हो तो इक्वेट डिस्ट्रॉय बी लोंग डी ले तो ये जब इनको प्रोनाउंस हम करते हैं और पहला वाला अगर आपका अनस्ट्रेस्ड या फिर शॉर्ट या फिर अनएक्सेंटेड आ जाए दूसरा वाला स्ट्रेस्ड या फिर लॉन्ग या फिर एक्सेंटेड आ जाए तो ये हो जाता है आपका क्या आइए सभी को समझ में आ गया उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ गया होगा एग्जांपल लिया टेट्रामीटर होता है लेकिन जनरली इंग्लिश के अंदर जितनी भी पोइट्रीज लिखी गई है उन पोइट्रीज के अंदर हमें आई पेंटामीटर ही देखने के लिए मिलता है इसीलिए यहां पर मैंने यहां पर आई पेंटामीटर लिखा हुआ है तो मीटर तो क्योंकि हमें समझ में आ गया मीटर तो यह तो बताने की जरूरत है नहीं पेंटा का मतलब होता है पांच फाइव यानी कि ऐसी लाइन जिसके अंदर दस सिलेबल हो यानी कि जो डेका सिलेबलिक लाइन होती है वो ही आपकी पेंटामीटर में लिखी जाती है और आईएम क्या होता है क्योंकि उस लाइन के अंदर पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होगा दूसरा सिलेबल स्ट्रेस्ड होगा फिर अनस्ट्रेस्ड होगा फिर स्ट्रेस्ड होगा फिर अनस्ट्रेस्ड होगा फिर स्ट्रेस्ड होगा तो ऐसे करके वो लाइन क्योंकि लिखी गई है इसीलिए उस लाइन को हम कह देंगे ीटर -E पेंटामीटर पेंटामीटर कैसे हमने काउंट करा एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस क्योंकि उसमें दस सिलेबल दिख रहा है तो ये बन गया आपका आई पेंटामीटर सिंपल सी बात है वही आपका लिखा हुआ है यहां पर पेंटामीटर पेंटा मतलब मीटर होता है पैटर्न ऑफ एंड एंडस्ट्रेज लेवल ठीक है लाइन ऑफ पोएट्री लाइन फाइव फीट या फाइव आई एम या फिर सॉरी सिलेबल या फाइव फीट है ना और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल और उसके बाद में आता है स्ट्रेस सिलेबल तो ये होता है आपका आईएम और आईएमबिक पेंटामीटर ठीक है अच्छा अगर मैंने आपसे कह दिया आईएमबिक हेग्जामीटर अगर मान लो मैंने यहां पर आपसे कह दिया आईएमबिक हेक्सामीटर तो उसमें भी क्या होगा आई एम्स में भी क्या होगा बड़ी सिंपल सी बात है सर आई एम्सामीटर है तो उसमें पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड दूसरा स्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड ये पैटर्न फॉलो होता चला जाएगा तब तक जब तक कि हमारे 12 सिलेबल काउंट नहीं होते हैं ये हो गए आपके 12 सिलेबल और 12 सिलेबल का पैटर्न यह रहेगा पहला अनस्ट्रेस्ड दूसरा स्ट्रेस्ड ये होता है आपका आई एमबिकीटर हेप्टामीटर इसमें दो सिलेबल और बढ़ा दो टेट्रामीटर इसमें से चार कम कर दो

उल्टा मैंने बोल दिया जो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होता है उसे हम कहते हैं ड और जो स्ट्रेस्ड सिलेबल होता है उसे हम कहते हैं डम ठीक है अनस्ट्रेस्ड ये स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये वाला साउंड कब बनता है डडम 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 तो ये साउंड बनता है हमेशा आई एम में जिसमें बनता है आईएम में और अगर इसका उल्टा आ गया दम डा दम डा दम डडम तो वो बनता है ट्रॉकी में उम्मीद कर रहा हूं कि ये बाजे बजाने वाली बात है आपको समझ में आ गई होगी कि क्या होता है डडम और क्या होता है डमडा ठीक है अब एक क्वेश्चन आया कि विलियम शेक्सपियर का जो सोनेट 18 है उसमें आपकी कौन सी कौन सा मीटर है कौन सा स्टेंजाइक पैटर्न है तो लाइन आपके लिखी हुई थी शैल आई कंपेयर दी टू ए सम मीटर्स समर्स डे समर्स डे है ना तो ये लाइन लिखी हुई है अब आपको एग्जाम में प्रश्न ऐसे नहीं आएगा आपके एग्जाम में प्रश्न ऐसे नहीं आएगा कि विलियम शेक्सपियर की सोनेट डेटिन कौन याद रखेगा सोनेट डेटिन वन फिफ्टी फोर सोनेट लिखे हैं विलियम शेक्सपियर ने आपको एक प्रॉपर लाइन दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि इसके अंदर कौन सा मीटर है तो उसको हम फाइंड कर लेंगे जैसे कि यहां पर हम देखते हैं तो शेल के अंदर जो ए का साउंड आ रहा है वो आपका अनस्ट्रेस्ड है जबकि आई का जो साउंड है वो आपका स्ट्रेस्ड है वैसे ही जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड ऐसे जब हम काउंट करेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये जो लाइन है ये आपकी लिखी गई है किस्से में एक दो तीन चार पांच यानी कि पेंटामीटर में ये लाइन आपकी लिखी गई है ठीक है पेंटामीटर में। चलिए बढ़ते हैं हम आगे, फिर आता है ये मेट्रिकल पैटर्न में आपको बताई दिया कि मोनोमीटर मतलब वन फुट डायमीटर मतलब टू फीट ये मैंने आपको कल बताई दिया था है ना? तो इससे हम बढ़ते हैं आगे। अब आते हम ट्रोकी पे ट्रोकी क्या होता है बिल्कुल अपोजिट का ठीक अपोजिट आईएम पहले हमने लेवल देखा था और बाद में हमने स्ट्रेस देखा था इसमें जस्ट उल्टा है opposite, ट्रोकी. में भी समय खर्च करने की जरूरत हमें है नहीं आईएम का ठीक अपोजिट क्या होगा आईएम का ठीक अपोजिट ट्रोकी होगा ठीक है अब ये कुछ ट्रॉकी के एग्जाम्पल्स है ये आप देख लीजिए देख सकते हैं आप जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने यहां पर लिखा हैप्पी

Win, Go, सारे के सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे ये काई के, ट्रोकी के बढ़ते हैं आगे अब देखो जनरली जो पोएम्स लिखी हुई क्योंकि मैंने ये एग्जाम्पल क्यों लिए जनरली जो आपके सोनेट्स लिखे जाते हैं ना तो उन सोनेट्स में जो आपकी पोयम लिखी जाती है मान लो उसके अंदर आईएम आईएम पैटर्न है आईएमबिक पैटर्न है तो वो सोनेट्स जनरली पेंटामीटर में ही लिखे जाएंगे और अगर उसके अंदर आपका ट्रोकी मीटर है तो वो जनरली टेट्रामीटर में ही हमें देखने के लिए मिलते हैं बस इसीलिए ये दो क्योंकि मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल्स थे इसीलिए मैंने यहां पर इन दो मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल्स को यहां पर ले लिया ठीक है तो अगर कोई सा सोनेट आपका आई एम में लिखा है तो जनरली जनरल केस है ये कि वो पेंटामीटर में लिखा होगा और अगर ट्रोकी उसमें मीटर है तो वो आपका टेट्रामीटर में लिखा हुआ होगा चलिए ये इसका वही वाला सीन आ गया वापिस से डडम 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 है ना डम डडम डमडमड तो बस आपको यह ध्यान रखना है कि डम जो है डम यह आपका स्ट्रेस्ड है और जो है यह आपका अनस्ट्रेस्ड है तो कभी कभी इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ये एक लाइन है यह भी विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है मैकबेथ उसकी लाइन है यह डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल एंड फायर बर्न एंड किल्ड्रेन

Okay, वैसे एलिफेंट में ई e, ये जो सिलेबल है आपका ई e, ये स्ट्रेस्ड आ रहा है बाकी के दो जो आगे के हैं वो आपके अनस्ट्रेस्ड आ रहे हैं वैसे पोइट्री में पो ओ जो है ये आपका स्ट्रेस आ रहा है बाकी आगे के दोनों अनस्ट्रेस्ड आ रहे हैं तो जहां पर पहला स्ट्रेस्ड बाकी के दोनों अनस्ट्रेस्ड वो हो जाएगा आपका डेक्ली मेट्रिकल पैटर्न उम्मीद कर रहा हूं कि ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी आगे बढ़ते हैं अब सर डेक्ली जैसे आईएम का जस्ट अपोजिट था ट्रोकी तो वैसे ही क्या डेकली का भी कोई अपोजिट है हाँ, बिल्कुल है वो है आपका एनापेस्ट डेकली में हमने क्या देखा पहला स्ट्रेस्ड दो अनस्ट्रेस्ड एनापेस्ट जस्ट अपोजिट पहले दो अनस्ट्रेस्ड लास्ट वाला स्ट्रेस्ड देखो क्या लिखा हुआ है इट कंटेन थ्री सिलेबल वेयर फर्स्ट टू सिलेबल इज ए शॉर्ट शॉर्ट मतलब वही अनएक्टेड या अनस्ट्रेस्ड है ना फॉलोड बाई अ थर्ड सिलेबल एंड देट इज लॉन्ग एंड स्ट्रेज और तीसरा सिलेबल जो होता है वो लंबा होता है या फिर स्ट्रेज होता है या फिर हम कह सकते हैं उसको एक्सेंटेड सिलेबल होता है और इसीलिए ये आपका बन जाएगा एनापेस्ट ठीक है तो डेक्टली का ठीक अपोजिट एनापेस्ट पेस्ट आई एम का ठीक अपोजिट ट्रोकी एग्जाम्पल देख लो आई मस्ट फिनिश माई जर्नी अलोन आई मस्ट फिनिश माई जर्नी अलोन अब जब हम इसको काउंट करेंगे तो इसमें स्टार्टिंग के दोनों सिलेबल अनस्ट्रेस्ड है ये वाला स्ट्रेस्ड है फिर ये दोनों अनस्ट्रेस्ड है फिर ये स्ट्रेस्ड है फिर ये दोनों अनस्ट्रेस्ड है फिर ये स्ट्रेस्ड है ध्यान रखना प्रॉपर एक पैटर्न बनना चाहिए अगर आपका ये पैटर्न टूट गया बीच में तो फिर वहां पर हम फाइंड नहीं कर पाएंगे मेट्रिकल पैटर्न तो लाइन को पूरी काउंट आपको करना है ठीक है तो ये होता है आपका एनापेस्ट उम्मीद कर रहा हूं कि एनापेस्ट भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा हमने आईएम देख लिया ट्रॉकी देख लिया डायरेक्टली देख लिया एना देख लिया नेक्स्ट आता है आपका स्पोंडी स्पोंडी में क्या होता है ध्यान रखना स्पोंडी में आपके दो सिलेबल होते हैं और दोनों ही सिलेबल इसमें होते हैं स्ट्रेस्ड कितने सिलेबल होते हैं दो और दोनों ही कितने होते हैं स्ट्रेस्ड होते हैं दो सिलेबल का एकाई में होते हैं सर एक तो आईएम में होते हैं दो सिलेबल एक आपके ट्रोकी में होते हैं दो सिलेबल और एक होते हैं आपके स्पोंडी में स्पोंडी में जबकि डेक्ली और एनापेस्ट इन दोनों में तीन सिलेबल होते हैं आगे बात समझ में इसमें पहला अनस्ट्रेस्ड, दूसरा स्ट्रेस्ड इसमें पहला स्ट्रेस्ड, दूसरा अनस्ट्रेस्ड और इसमें दोनों स्ट्रेस्ड, दोनों सिलेबल स्ट्रेस्ड होते हैं आपके, है ना ये आप देख सकते हैं बोथ सिलेबल्स आर स्ट्रेस्ड। एग्जाम्पल डाउन टाउन ठीक है डाउन तो उसमें उ साउंड आ रहा है उ और टाउन में भी आपका उ आ रहा है ठीक है तो ये होता है आपका क्या स्पॉन्डिक बढ़ते हैं आगे फिर आता है आपका फ्रिक फ्रिक क्या होता है जस्ट अपोजिट टू स्पॉन्डी फ्रिक में आपके दो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होते हैं फ्रिक जो होता है उसमें आपके दो अनएक्सेंटेड या फिर दो शॉर्ट सिलेबल होते हैं और उससे हम कहते हैं क्या फ्रिक ठीक है तो हमने अभी तक छह मेट्रिकल पैटर्न देखे पहला आईएम दूसर दूसरा ट्रोकी तीसरा

तो यहां से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे और ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में आपकी मदद करते हैं ठीक है तो इसके शॉर्ट नोट्स आप बना लीजिएगा चलिए बढ़े आगे अब हम बढ़ते हैं आगे अब ये क्या आ गई ये एक पोयम आ गई है ना और इसके अंदर कितनी लाइन है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन ठीक है मतलब ये एक है ये। वर्ल्ड इज टू मच विथ अस लेट एंड सोन ये सोनेट क्यों लिखी है यहां पर मैं आपको राइम स्कीम फाइंड करना सिखाता हूं जनरली आपको आती है मुझे पता है लेकिन दो मिनट लूंगा बस आपके राइम स्कीम जब भी हम फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं लास्ट लास्ट लाइन वर्ड जो है किसी भी लाइन का वो देखते हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सून पावर्स आवर्स बून मून फ्लावर्स ट्यून बी ली फ्लोव सी हॉर्न ये सारे के सारे लास्ट वर्ड जो मैंने एक ही कलर से मतलब अलग अलग कलर से यहाँ पे दर्शा दिए हैं और जो शब्द आपस में राइम कर रहे हैं उनको मैंने एक ही कलर से दर्शा दिया जैसे कि उदाहरण के लिए ये आप देख सकते हैं सून तो मैंने इसको ए नाम दे दिया बून मैंने इसको ए नाम दे दिया मून ए नाम ट्यून ए नाम क्या और भी कोई ऐसा ऐसा शब्द है जो इनसे मेल खा रहे हो रिदमिक प्रनाउंस करते वक्त है ना ये सून बून मून टून ये सब आपस में क्या क्या कर रहे हैं इनका रिदमिक पैटर्न सेम आ रहा है प्रोनाउंस करते वक्त तो इसीलिए मैंने इन सबको ए नाम दिया है दूसरा देखो पावर्स अवर्स आवर्स फ्लावर्स इन सबका भी रिदमिक पैटर्न सेम आ रहा है इसीलिए मैंने इनको नाम दे दिया बी क्या नाम दे दिया बी नाम फिर आगे देखो आप बी ली सी इन तीनों का रिदमिक पैटर्न बोलने पर मुझे सेम दिखाई दे रहा है इसीलिए मैंने इसको नाम दे दिया सी नाम और यहां पर आउटवॉर्म फ्लो वार्म या फिर हॉर्न इन तीनों का रिदमिक पैटर्न सेम आ रहा है इसलिए मैंने इनको नाम दे दिया डी तो इस तरीके से बनती है आपके राइम स्कीम तो ये आप देख सकते हैं कि सेम वर्ड वाले को मैंने ए नाम दिया फिर मैंने बी नाम दिया फिर मैंने सी नाम दिया और फिर मैंने डी नाम दिया और इस तरीके से प्रॉपर ऐसी एक राइम स्कीम निकल के आ गई है जो आपकी ये हॉरिजोंटल जो आपका जो आपका वर्टिकली लिखा हुआ है इसको मैंने ऐसे इस, लिख दिया और ये आपका ए बी बी ए बी बी ए सी डी सी डी सी डी एक राइम स्कीम हमें निकल दिखाई

बता भी सकते हैं कि हाँ सर समझ में आ रहा है और अगर नहीं आ रहा है तो ऐसा बता सकते हैं थोड़ा सा पढ़ाने का पैटर्न जो है मैं चेंज कर दूंगा है ना तो अगर समझ में आता है तो बता दीजिए कि हाँ सर आ रहा है चलिए गला सूख रहा है बार बार पानी पीना पड़ रहा है जबकि बाहर पानी गिर रहा है बारिश हो रही है है ना चलिए अब आ जाते हैं हम पोइट्री पर अब देखो पोइट्री को समझने के पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो कॉन्सेप्ट क्या है एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए पोइट्री के बारे में जैसे कि जो आपकी पोइट्री होती है वो दो तरह की होती है जनरली जो पोइट्री होती है वो आपकी दो प्रकार की पोइट्री आपको देखने के लिए मिलती है पहली जो आपकी पोइट्री होती है वो होती है आपकी लिरिक पोयम क्या होती है लिरिक पोयम और दूसरी आपकी जो पोइट्री होती है वो होती है आपकी नैरेटिव पोयम क्या होती है वो आपकी नैरेटिव पोयम ठीक अब लिरिक पोयम क्या होती है कि सर जो लायर इंस्ट्रूमेंट के साथ गाई जाती है उन्हें हम लिरिक पोयम कहते हैं है ना बिल्कुल सही है लायर इंस्ट्रूमेंट के साथ जो गाई जाती है उन्हें हम लिरिक पोयम कहते हैं लेकिन एक अंतर करना आप नैरेटिव पोयम और लिरिक पोयम में जनरली जो अंतर होता है वो ये होता है कि लिरिक पोयम के अंदर जो पोएट होता है या फिर जो राइटर होता है उसके खुद के अपने इंट्यूशंस छिपे हुए रहते हैं यानी कि जो लिरिक पोयम है ये खुद के बारे में खुद की फीलिंग्स के बारे में मैं कह सकता हूं कि इसमें जो राइटर होता है उसकी इनर फीलिंग्स जो है वो आपकी छिपी हुई रहती है किसके अंदर लिरिक पोयम में वो खुद को ही खुद के ही बारे में चीजें बताता है जबकि नैरेटिव पोयम जो होती है नैरेटिव पोयम में आपने देखा होगा जनरली जो शॉर्ट स्टोरीज होती है है ना शॉर्ट स्टोरीज या फिर जो आपकी बेलेड पोएम्स होती है ये होती है आपकी नैरेटिव पोयम तो इनमें हमने क्या देखा इनमें हमने ये देखा कि किसी थर्ड पर्सन की यहां पर बात हो रही है यहां पर पोइट की खुद की बात नहीं हो रही है यहां पर थर्ड पर्सन की बात हो रही है किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में वो हमें बातें बताना चाह रहा है जैसे कि उदाहरण के लिए लिरिक पोइट्री के अंदर क्या होगा लिरिक पोइट्री के अंदर जो पोइट है वो बताएगा की मैं आज वहां पे गया था मैंने एक शेर देखा फिर मैंने एक भालू देखा फिर दोनों को देख के मैं भक्के जंगल से घर आ गया ये एक छोटी सी पोयम खत्म हो गई लिरिक पोयम अपने खुद के बारे में बता रहा है अपने अंदर की फीलिंग्स बता रहा है लेकिन नेरेटिव पोयम जो होती है इसमें किसी थर्ड पर्सन की बात होती है जैसे कि मान लो एक पोइट्री है कि एक था राजा एक थी रानी दोनों मर गए खत्म कहानी तो यहाँ पे बात राजा और रानी की यानी कि थर्ड पर्सन की बात हो रही है क्या पोइट अपनी बात कर रहा है नहीं तो जहां पर पोइट किसी थर्ड पर्सन की बात करे वो आपकी नरेटिव पोयम होती है जहां पर खुद की बात करे खुद के इंट्यूशन खुद की इनर फीलिंग्स जहां पर वो शो करे यानी कि अपने सेल्फ के से जब वो लिखता है जहां पर फीलिंग्स होते हैं जहां पर इमोशंस होते हैं वो होती है आपके लिरिक पोयम जहां पर किसी तीसरे व्यक्ति की बात होती है वो होती है आपके नेरेटिव पोयम लिरिक पोयम के उदाहरण कौन कौन से हैं तो मैंने आपको बताया था कि जो आपकी एलर्जी होती है जैसे कि पहले तो आपको लिरिक पोयम जो है लिरिक लिरिक पोइट्री जो होती है वो लिरिक फॉर्म में लिखी जाती है उसके अलावा जो एलेजी होती है एलेजी भी लिरिक फॉर्म में लिखी जाती है।, उसके अलावा जो आपके होते है वो सारे लिरिक फॉर्म में होते हैं इसके अलावा भी ड्रामेटिक मोनोलॉग जो होते हैं आपके। ड्रामेटिक मोनोलॉग ये जो होते हैं ये भी आपके लिरिक फॉर्म में होते हैं नेरेटिव पोएम में आपकी बेलेट आ गई है ना बेलेट के अलावा आपकी इपिक पोएम आ गई तो ये सारे के सारे कैसे होती है नेरेटिव पोइट्री होती है तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये छोटी सी बातें आपको समझ में आ गई होगी कि लिरिक क्या होता है और नैरेटिव पोइट्री आपकी क्या होती है ठीक है ना जहां पर पोइट किसी थर्ड पर्सन की बात करें वो सारी की सारी आपकी नैरेटिव पोइट्री और इन्हें हम बेलेट पोयम्स या फिर इपिक पोयम्स भी कह देते हैं क्योंकि वो भी इसी फॉर्मेट में लिखी जाती है ठीक है अब हम देखते हैं पोइट्री के अंदर कि फॉर्मल वर्स क्या होता है जब किसी भी पोइट्री के अंदर एक प्रॉपर स्ट्रिक्ट मीटर फॉलो किया जाता है फॉर एग्जाम्पल विलियम शेक्सपियर की बहुत सारी सोनेट है, है ना विलियम वर्ट्सवर्थ ने बहुत सारी सोनेट्स लिखी है विलियम वर्ट्सवर्थ ने बहुत सारी पोइट्री लिखी है तो जिस भी पोइट्री के अंदर एक प्रॉपर मीटर फॉलो हो उससे हम कह देंगे फॉर्मल वर्स क्या कह देंगे फॉर्मल वर्स सभी को बात समझ में आ गई वर्स का मतलब ही क्या होता है वर्ड्स का मतलब मैंने आपको बताया था ना वर्ड लाइन जिसमें प्रॉपर मीटर फॉलो हो उसे हम कहते हैं लाइन तो फॉर्मल जिसमें स्ट्रिक्ट मीटर जहां पर एक प्रॉपर स्ट्रिक्ट मीटर और एक रिदमिक पैटर्न फॉलो हो ध्यान रखना मीटर के साथ साथ वहां पर एक राइम स्कीम भी होनी चाहिए आपकी ऐसी लाइन जिसके अंदर मीटर हो मीटर के साथ साथ उसकी राइम स्कीम हो उसे हम कह देंगे फॉर्मल वर्ड्स Blank क्या होता होता है 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 नाम से ही समझ में आ रहा मतलब मतलब खाली मतलब poetry strict meter, but no rhyme. खाली है. बिल्कुल उसमें rhythmic pattern follow नहीं किया गया है. जैसे कि ballad, ballad के अंदर meter होता है, लेकिन बेलेट के अंदर pattern नहीं होता है ठीक तो है ना तो ऐसी ये बहुत सारी ऐसी पोइम होती जिनके अंदर मीटर तो होता है लेकिन उनके अंदर कोई भी आपका हम कह सकते हैं कि राइम स्कीम नहीं होती है बेलेट तो आपकी कैसी पोईम होती है जिसमें आप नरेट करते हैं है ना जो आपकी प्रोज लाइन होती है प्रोज में लिखी जाती है आपकी बेलेट तो ठीक है तो ऐसे ही पोइट्री जिसके अंदर प्रॉपर मीटर हो बट नो राइम कोई भी राइम स्कीम वहां पर ना हो वो होती है आपकी ब्लैंक वर्ड्स लास्ट में आपका बचता है फ्री वर्ड्स पोइट्री विदाउट एनी स्ट्रिक्ट मीटर और नो एनी राइम स्की रखना ब्लैंक वर्स क्या होता है ना तो जिसमें कोई प्रॉपर मीटर होता है और ना ही उसमें कोई राइम स्कीम होती है वो होती है आपकी फ्री वर्स तो बहुत सारी ऐसी पोयम है जो आपकी फ्री वर्स में भी लिखी हुई जाती है तो उसे हम कहते हैं क्या फ्री वर्स पोयम तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये तीनों चीजों आपको समझ में आ गई होगी आपको लिरिक भी समझ में आया होगा आपको नेरेटिव पोएट्री भी समझ में आया होगा आपको फॉर्मल वर्स ब्लैंक वर्स फ्री वर्स ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी इसी में आपसे उम्मीद कर रहा हूं बताइए किसी को कुछ डाउट हो तो वो कमेंट में पूछ सकता कुछ doubt है कुछ डाउट है ठीक है तो ये था आपका एक छोटा सा लेक्चर जिसमें हमने हमने क्या पढ़ा जिसमें मेट्रिकल पैटर्न के बारे में पढ़ा जिसमें हमने ये देखा कि आईएम क्या होता है ट्रोकी क्या होता है स्पोंडी क्या होता है डिटली क्या होता है एनापेस क्या होता है और फ्रिक क्या होता है, सारे सारे है जिनमें सिर्फ खेल है पूरा का पूरा सिलेबल का और सिलेबस आपको समझ में आ ही गया है उम्मीद कर रहा हूं कि यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप इस लेक्चर को शेयर कर सकते हैं अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें इसकी जरूरत है आप एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं आप इस अंगूठे को लाइक करके मतलब अंगूठे को दबा के हमें अपना लाइक भेज सकते हैं और एक टीचर को क्या चाहिए अगर उसका पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ में आ रहा है तो ठीक है ये हमारी बेच है ऑनलाइन बेच जो मात्र वन फोर डबल नाइन रुपीज है ना चौदह सौ निन्यानवे रुपीज में आपको हम शिक्षक बना देंगे वर्ग दो का ये गारंटी है अगर आप हमारा कहा फॉलो करेंगे तो सर तोमर सर आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश है ना ग्रामर और मैं आपको पढ़ाऊंगा इंग्लिश लिटरेचर हम दोनों मिलके और तीसरे हो गए आप है ना हम दोनों सारथी और आप हमारे क्या हो गए क्या हो गए अर्जुन ठीक है तो हम भेद देंगे ये किला मिलते हैं एक नए लेक्चर में तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना जय हिंद जय भारत